नमस्ते, मेरा नाम हेमलता है। मैं आज नई डिश बनाने वाली हूँ, रसिया ढोकरी। उसके लिए भुने हुए चावल चाहिए, दही चाहिए, मसाला चाहिए और हरी मिर्ची, धनिया, गेहूं का आटा, ये इतनी सब सामग्री चाहिए। चलो आइए बनाते हैं रसिया ढोकरी। चावल के अंदर थोड़ा तेल मिक्स कर दीजिए, अंदाज से। उसके बाद आप उसके अंदर सब मसाला मिक्स कर दीजिए, मिर्ची, हल्दी, थोड़े से धनिए, नमक, थोड़ी हरी मिर्ची, हरे धनिए और फिर चावल के अंदर गेहूं का आटा मिक्स करना। आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा उसमें आटे को बांधने के लिए थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। आटे को बांधने के लिए थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए। और आटा बांध दीजिए, गूंथ लीजिए उसको अच्छी तरह से, इस तरह। इस तरह आटे को गूंथ लीजिए। अंदर तेल डालकर इसको चोक लगाना। और जो अपने पास दही पड़ा था उसकी छाछ बनाना, उसके अंदर ज्यादा पानी नहीं डालना। कड़ी पत्ते, मिर्ची, तेल के अंदर हींग डालना थोड़ा, राई, जीरा, कड़ी पत्ते और मिर्ची। थोड़ी लाल मिर्ची डालना, उसके बाद जो दही की छाछ बनी हुई है वो। और दही को अच्छी तरह से हिलाना,
मैं धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से हिलाना और धीमी आंच करके भूसे में आटे की छोटी छोटी गोटियां बनाना। गर्म हो जाए एकदम उकलने आए तब उसमें ये गोटियां डाल दीजिए। अब उसको आधे घंटे तक धीमी धीमी आंच में पकने दीजिए, सीज जाएगा तब उसका गाढ़ा होने लगेगा थोड़ा। अब आइए अपन देख रहे हैं बन गई कि नहीं बनी अभी तक। हाँ बन गई है वो, अभी आप गैस अपना बंद कर दीजिए। अभी आप उसको बाउल में निकाल सकते हैं इस तरह। रसिया ढोकरी, धनिया स्लाइस डाल सकते हैं। ये डिश आपकी रेडी हो गई है, जरूर बना के देखिए और खाइएगा। धन्यवाद।